हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। पैरों में छाले, चेहरे चेहरे माथे पर पसीना, आंखों में नींद और चिलचिलाती गर्मी में बेदम करती भूख और प्यास। ये मौत से भी बदतर जिंदगी की तस्वीर है। ये कोरोना से तड़पते हिंदुस्तान के दर्द की जीती जागती हकीकत है। जो किसी के भी कलेजे को छलनी कर दे, ये हमारे देश के मजदूर हैं, राष्ट्र के निर्माता हैं। लेकिन हालत देखिए, राष्ट्र निर्माण में अपने खून पसीने से योगदान देने वाला ये वर्ग आज मजबूर है। इसके पास न तो रोजगार है न ही रोटी। वक्त की मार पड़ी तो घर से दूर मजदूर पैदल ही घर की ओर निकल पड़े। किलर कोरोना से दुनिया में कोहराम मचा है, तो इस जानलेवा वायरस ने हिंदुस्तान में जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी। 130 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान के किसी भी राज्य, किसी भी हाईवे, किसी भी सड़क से गुजर जाइए, लॉकडाउन में पसरे सन्नाटे को मजबूर मजदूर की लाचारी और बेबसी चीरती नजर आती है। हर तरफ मजबूरी बेबसी से भरी जिंदगी की तस्वीर नजर आती है, जिसमें मजदूरों के बच्चे भूख से बिलखते दिखेंगे, तो मजदूर माता पिता बेबसी से उन्हें देखने और दिलासा देने के सिवा कुछ नहीं कर पाने को मजबूर हैं। ये रोटी ही तो थी जो पहले मजदूरों को घर से दूर ले आई, और ये रोटी ही है जो अब उन्हें घर वापस जाने को मजबूर कर रही है। कहीं घर पहुंचने के लिए बैल की जगह खुद को जोत लेने की मजदूर की तस्वीर सीना छलनी कर देती है, तो कहीं कोई तमाम चुनौतियों से पार पाकर हर कीमत पर घर पहुंचने की जल्दी में नजर आता है। कोई परिवार सहित पैदल ही सैकड़ों मील लंबे सफर पर निकल पड़ा है। तो कोई साइकिल से लंबी दूरी को नापने की कोशिश कर रहा है। खाने पीने सब बच्चे चिल्ला रहे, तड़प रहे सरकार, ऐसे मुसीबत में रक्षा करो साहब। कहीं चिलचिलाती गर्मी में भूख प्यास से मजदूर और उसका परिवार बेहाल है, और इन सबके साथ सामने आ रही है मजदूरों की बेबसी और लाचारी की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें। तस्वीर एड़ियां फट जाने की, एड़ियों के घिस जाने की, पैरों के छिल जाने की, तलवों के जल जाने की, हौसला हार जाने की, हिम्मत टूट जाने की, सपने बिखर जाने की। लॉकडाउन में कामकाज बंद हुआ तो प्रवासी मजदूरों की जमा पूंजी भी ज्यादा दिन नहीं चली। इनमें से तो कई ऐसे थे जो दिन में कमाते तभी रात का चूल्हा चल पाता, लेकिन यहां तो करीब 2 महीने हो चुके हैं। पेट खाली कब तक इन मजदूरों का बोझ सह पाता। वक्त बीतने के साथ भूख बढ़ने लगी, मकान मालिक किराया मांगने लगे, तो हौसलों की बुनियाद पट्टी के कदम लड़खड़ाने लगे। इन मजदूरों के पास घर लौटने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। सामान बांधा, पैदल ही सड़कों पर मील दूर अपने गांव निकल गए। बिना इसकी परवाह किए कि आगे क्या होगा, आगे कितनी चुनौतियां उनका इंतजार कर रही होंगी, उन्होंने भूखे मरने के बदले चुनौतियों से पार पाने का फैसला किया। सड़कों पर दर्द का समंदर नजर आ रहा है। मजदूर कहीं मदद के लिए भटक रहे हैं, कहीं खाने पीने की चीजों के
तलाश कर रहे हैं। कहीं सरकारी अमला उनके घर वापसी में रोड़ा बन रहा है, तो कहीं कोरोना की गाइडलाइंस उनके लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। पैदल घर वापसी के लिए निकले मजदूरों का दर्द जानने, उनकी परेशानियों का पता लगाने, उनके परिवार की मुश्किलें जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम उनके बीच पहुंची। प्रवासी मजदूरों का दर्द समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये मजदूर परेशान हैं, बेबस हैं, इनके पास कोई साधन नहीं है कि ये अपने घर को पहुंच पाए, लिहाजा इन्होंने ठान लिया कि ये पैदल ही चलेंगे और अपने घर पहुंचेंगे। इनको हमीरपुर जाना है। दिल्ली से हमीरपुर करीब 450 किलोमीटर दूर है और ये पैदल ही अपने घर की ओर निकल पड़े हैं। हम भी इनके साथ 24 घंटे बिताएंगे और जानेंगे कि आखिर इनकी ज़िंदगी 24 घंटों में क्या होती है, किस तरीके से ये सड़कों पर जीते हैं, किस तरीके से ये खाते हैं, किस तरीके से ये पीते हैं। उनके साथ न्यूज नेशन की टीम ने एक तो नहीं बल्कि 24 घंटे मजदूरों के साथ रहने और उनसे बात करने का फैसला किया। इस कोरोना महामारी के दौर में प्रवासी मजदूरों का दर्द समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इनका रोजगार छिन गया है, ये मजबूर हो चुके हैं दाने दाने को, इनके पास खाने पीने को भी कुछ भी नहीं है, लिहाजा अपने घर की ओर ये रवाना हो गए हैं। जाने के लिए कोई साधन भी नहीं है, लिहाजा ये बात समझ गए हैं कि अगर दिल्ली में रहे तो भूखे मर जाएंगे। न्यूज नेशन की टीम को रास्ते में प्रवासी राम मंगल मिले, जो अपने परिवार के साथ पैदल ही यूपी के हमीरपुर निकल पड़े हैं। न्यूज नेशन की टीम ने जब उनसे बात की तो उन्होंने घर वापसी की अपनी मजबूरी और तमाम दर्द बयां कर दिया। क्या करें बाबू जी, पैसे नहीं है, खाने के देख के रखी, किराया भाड़ा नहीं है, किराया भाड़ा कुछ नहीं था तो पैदल ही चल चुके, अब भूखन मर रहे थे तो क्या करें। हाँ, कुछ खाने को होता तो इधर क्यों पैदल जाते, वहीं नहीं रहते। कोई कोई अपना होता जहाँ पे, वहाँ इतने दूर डरे हैं तो सब कुछ को होता आज है कि सब कुछ को होता, खाने को पीने को सब कुछ कुछ नहीं था। तीन चार दिन से तो जी भूखे बिल्कुल वह हो रहे हैं। हाँ, कोई देने ही वाला नहीं था। रोटी खा करके टाइम काट रहे, क्या करें साहब, दो रोटी से भी खाए थे, दो शाम के खाए, टाइम का गए साहब, टाइम कॉल करके इस बात भाग में तो पड़े। थोड़ी दूर आगे चलने पर हमें नेक सिंह यादव मिले, जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बंदायू के लिए घर से निकले थे। साइकिल पर सामानों की गठरी और बच्चों को बिठाए नेक सिंह यादव नॉन स्टॉप चलते रहे। नेक सिंह यादव हमारे साथ हैं, ये पैदल चल पड़े हैं दिल्ली से बदायूं के लिए, चार बच्चों के साथ, और अपने 2 साल के इस बच्चे को इस साइकिल पर बैठा के बदायूं लेके जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पुलिस आई थी, इनके 2 बच्चों को गाड़ी में उसने बैठा लिया कि हम आपको आगे तक छोड़ देंगे, हाथ से बस मिल जाएगी। आप दिल्ली से बदायूं 4 बच्चों को लेके कैसे आपके मन में आ गया कि चला जाए पैदल? अब सर यह मन में क्या आई कि हमें सोचा मेरे कि आगे से गाड़ी मिल जाएगी तो लेकर जाएंगे, और नहीं मिली सर मजबूरी तो जाना पड़ता, गाड़ी नहीं मिलेगी तो। हाँ, 1 महीना तो दूध नहीं मिला है, मैंने दूध नहीं मिला ना, बच्चे को पानी पिला रही हूँ मैं, 1 महीना। हाँ, 1 महीना थे, बहुत परेशान है, तब लेकर चलो करना तो देंगे कम ना कम, मैं बहुत परेशान 2 महीने आते, मैंने कहा मैं घर पे अपने कचका खाऊंगी पियाँगी बना कराऊंगी तो। कोई दिक्कत नहीं खाया बेटा कि नहीं? अभी तक कुछ नहीं खाया। नहीं खाया आज दिन में कोई खाना? खाया बिस्कुट, बिस्कुट बस खाया। तो आपको उम्मीद है कि आप घर पहुँच जाओगे? उम्मीद तो नहीं है। उम्मीद नहीं है, चलिए हम आपके साथ चलते हैं। रास्ते
रास्ते में पुलिस की टीम ने नेक सिंह यादव और उनके परिवार को रोक लिया और फिर उन्हें एक क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया। लगातार हम इनके साथ पैदल चलते रहे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनको क्वारंटाइन सेंटर यहाँ पे पहुँचा दिए। यहाँ पे सभी लोगों की स्क्रीनिंग होगी, जांच होगी, उसके बाद इनको बदायूं के लिए रवाना कर दिया जाएगा। रास्ते में मजदूरों का हुजूम नजर आया जिनकी पुलिस वाले मदद करते दिखे। सड़क पर प्रवासी मजदूरों की तादाद आपको लगातार दिखाई देती रहेगी और ऐसे पुलिस अधिकारी इनकी मदद भी करते रहेंगे, भले ही ये मीडिया के सामने कुछ भी न कहें, लेकिन इन्होंने इनके दो बच्चों को अपनी गाड़ी में बैठा के क्वारंटाइन सेंटर जरूर छोड़ा। आगे बढ़ने पर गाजियाबाद बुलंदशहर रोड पर न्यूज नेशन की टीम को मजदूरों का एक जत्था मिला। इनमें से कुछ को यूपी के शाहजहांपुर तो कुछ को महोबा जाना था। ये लोग किसी भी तरह लिफ्ट लेकर यहां तक तो पहुंचने में कामयाब रहे, लेकिन आगे घने अंधेरे और मुश्किल हालात का सफर आसान नहीं था। थकान की वजह से इनका हौसला भी टूटने लगा, लिहाजा इन लोगों ने गंदे नाले और गंदगी के ढेर के बीच ही रुकना उचित समझा। इनमें एक माँ थी जो 8-10 महीने की बच्ची को लेकर पैदल ही शाहजहांपुर निकली थी। बच्ची ने खाया कि नहीं? खा लिया। बड़ा मच्छर भी काट रहा बच्चे को, थोड़ा सा है ना, मच्छर बहुत काट रहा है। तो यहाँ पुलिस ने कोई मदद की आपकी? यहाँ पे पुलिस ने ऐसे टेम्पो उस पर बैठा दिया, ट्रक पे बैठा दिया, वो भी नहीं दे रहा था। पुलिस वालों ने क्या किया? मुश्किल में फंसे मजदूरों का सब्र टूट रहा था। वो पुलिस प्रशासन पर मदद न करने के आरोप लगा रहे थे। पुलिस वालों ने आपको क्या कहा, किस तरीके से यहाँ पे उतार दिया? कोई मदद ही नहीं की साहब जी, जैसे तैसे पैदल आए, किसी ऑटो ऑटो बैठ के आए, यहाँ तक आ गए। यहाँ से बोले वहाँ जाओ, कोई पता नहीं बताता है कि आखिर बस मिलेगी तो मिलेगी कहाँ से, पूरी दिक्कत ये है। इन लोगों में एक प्रेग्नेंट लेडी भी थी जो पैदल ही यूपी के महोबा के लिए अपने पति के साथ निकली थी और ये लोग किसी भी कीमत पर घर लौटना चाहते थे। तो क्या नाम है आपका? मानसी। गर्भवती है ये जी? कितने महीने की? ये 8 महीने चल रहा है सर। 8-9 महीने जी। मानसी जी, अब 8 महीने की प्रेग्नेंट है, कुछ खाया पिया कि नहीं आपने? अभी नहीं तो कुछ खाया है? कुछ नहीं खाया। सुबह से? सुबह खाया था, फल फ्रूट खाया था लेकिन थोड़ी बहुत। हाँ, घर जाना है हमें। हमारे यहाँ कोई है अभी नहीं है। हाँ सर, हमारे ना बताओ इसकी बच्चा हो। मानसी 8 महीने की गर्भवती है, अब ठीक इनके पीछे नाला बह रहा है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, बदबू बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रही है, मच्छरों का अंबार है, बहुत ज़्यादा मच्छर यहाँ पे काट रहे हैं। इनकी मदद करने के लिए यहाँ पे कोई पहुँच नहीं रहा है। यही हमें 10 साल का ब्रजेंद्र भी मिला जिसके माता पिता को पुलिस ने पहले ही रोक लिया था। वो अकेला हैरान परेशान था। ये ब्रजेंद्र हैं और इनके माँ बाप को यहाँ से 3 किलोमीटर पहले रोक लिया गया है और ये आगे आ चुके हैं इनके साथ पैदल ही पैदल, क्योंकि महोबा के ये भी रहने वाले हैं। ब्रजेंद्र कितने साल के हो? 10 साल का। 10 साल के हो। आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? फंस गए थे। अच्छा, रास्ते में रोका है उधर? अच्छा, कुछ खाया हो या कि नहीं? तो फोन मोबाइल है मम्मी पापा के पास? नंबर याद है कि नहीं? मजदूरों के जमघट से मची अफरा तफरी के बीच एक पुलिस कांस्टेबल मौके पर पहुंचा। न्यूज नेशन की टीम ने पुलिस कांस्टेबल से प्रवासी मजदूरों की मदद करने को कहा तो वो खुद ज्यादा मदद तो नहीं कर पाए, लेकिन उसने इलाके के SSO का नंबर दिया जिस पर न्यूज नेशन की टीम ने मदद के लिए फोन लगाया। SHO साहब से मैंने इनकी बात करवाई है, मौके पे ये अधिकारी भी मौजूद थे और इनको, ये 8 महीने की गर्भवती हैं
इनको किसी न किसी आसपास के या तो धर्मशाला या तो क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाएगा ताकि इनकी मदद हो पाए। इंतजार करते काफी वक्त गुजर गया लेकिन कोई मदद नहीं पहुंची। मच्छरों के हमले से वहां बैठे मजदूरों का जीना मुश्किल हो गया तो एक बार फिर मजदूरों का सब्र टूटने लगा। दो घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और ये पूरा परिवार जो है इसी कूड़े के ढेर के बगल में बैठा हुआ है। मच्छर इनको काट रहे हैं, अब तक उनको कोई मदद नहीं मिली है। तमाम वो जो लोग हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इनको जाना है। आपको कहाँ जाना है? जी बनारस जाना है। जी बनारस का मदद जी यहाँ से कोई उधर भेज रहा है तो कोई उधर भेज रहा है सर, पुलिस वाला उधर भगा रहा है तो कोई पुलिस वाला उधर भगा रहा है। क्या उम्मीद लगती है सर? अब तो रात हो रही है, अब सर अब मच्छर में ही जिन रात बितानी पड़ेगी लग रहा है कि जी। अब कोई यहाँ से उधर से दिखाई नहीं दे रहा, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। ओके सर, अब जाएगी तो जाए तो कहाँ जाए रात में? पुलिस वाला खुद डंडा मार रहे कोई इधर भगा रहा है तो कोई उधर भगा रहा है। खड़े हैं जी सर। खाए पिए हैं कुछ मिला है? अभी तो कुछ नहीं मिला सर, दो केले मिले हैं बस और पानी बस वही सहारा है। दो केला खा के और दो गिलास पानी पी के ये बनारस और गाजीपुर के लोग यहाँ पे खड़े हैं। इनका ये कहना है कि मदद जिस रूप में इनको मिलनी चाहिए उतनी मदद नहीं हो पा रही है। न्यूज नेशन की टीम ने काफी इंतजार के बाद दोबारा SHO को फोन लगाया। उसके बाद कविनगर थाने की पुलिस ने इन लोगों की मदद की और लगातार हम इनकी मदद के लिए कोशिश कर रहे थे, लिहाजा उत्तर प्रदेश की पुलिस भी यहां पर मौके पर पहुंची और इनकी मदद की कवायद अब शुरू हो चुकी है। कविनगर SHO ने मौके पर बस भेजने की बात कही। यहाँ बस आ रही है अभी, SHO साहब बस भिजवा रहे हैं। अच्छा, भिजवा रहे हैं। वो वहाँ का काम है, मोटा से कम मिलेगा। मोटा हमारा काम है। क्या नाम है? मोटा मोरटा। अच्छा, मेरठ रोड पे मोरटा इनको छोड़ेगी। हाँ। फिर वहाँ पे क्या कोई सेंटर है? क्वारंटाइन सेंटर है, वहीं से जो है ना फिर इनको फर्दर जो है ना बस में शिफ्ट किया जाए। उसके बाद एक बस आई जिसमें मजदूरों को उस जगह भेजा गया जहां उन्हें उनकी मंजिल तक के लिए बस मिल सकती थी। अब इन सभी लोगों को मेरठ रोड के एक क्वारंटाइन सेंटर में लेके जाया जा रहा है। वहां पर इन सभी लोगों का चेकअप होगा और हम भी इनके साथ चल रहे हैं कि उसके बाद क्या इनको घर पहुंचाया जाएगा और इनको बस कब मिलेगी और कितनी देर के बाद मिलेगी। हम सारी बातें आपको बताते रहेंगे। इन मजदूरों के साथ हम लगातार बने हुए हैं। बस में सभी लोगों को मेरठ रोड उतारा गया जहाँ प्रशासन ने उनके खाने का इंतजाम किया था। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा खाना भी बांटा जा रहा है जो यहां पर मुसाफिर पहुंच रहे हैं एक एक करके। रोडवेज की यहां पे गाड़ी जो पहुंची है और उत्तर प्रदेश सरकार के जो कर्मचारी हैं वो यहां पर खाना बांटते हुए नजर आ रहे हैं। वहां से बस में सवार सभी लोग पैदल ही बस अड्डे की ओर निकल पड़े। रास्ते में नींद के झोंके से बेदम एक बच्चा गिर पड़ा। 4 साल के बच्चे को पानी पिला रहे हैं, आधी रात से ज्यादा का वक्त हो गया है और बच्चा नींद से गिर गया नीचे जमीन पे और इस वक्त जो है यहाँ से करीब 1 किलोमीटर और दूर है। बस से उतरने के बाद सभी मजदूरों और उनके परिवार वालों को करीब 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। उसके बाद वो स्टैंड पर पहुंचे जहां से जांच के बाद उन्हें उनकी मंजिल की ओर निकलना था। जहां पर बस से इन सभी लोगों को उतारा गया था वहां से करीब 5 किलोमीटर तक हम पैदल चले हैं और पहुंच चुके हैं उस स्थान पर जहां से इन सभी लोगों को बस मिलना है। छोटा बच्चा ये शिवा अभी नींद में है और ये जो छोटी बच्ची है भी अब आप यहां पे पहुंच चुके हैं। भैया यहीं से आपको बस मिलेगी, अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? भैया अच्छा महसूस कर रहे हैं सर, इतना साधन हो गया तो परेशानी हुई तो कोई बात नहीं। चलो इसमें चलो। आप थे तो यहाँ तक आ गए, नहीं कोई रास्ता तक तो नहीं बता रहा था। तमाम जांच और रजिस्ट्रेशन में वक्त बीतता चला गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया। सुबह का वक्त हो चला है, इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि हजारों की तादाद में मजदूर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं
जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। ये मजदूर बहुत ज़्यादा परेशान है, हैरान है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इनको इतनी सी बात लग रही है कि किसी न किसी तरीके से इनको घर पहुँचा दिया जाए। ये यही चाहते हैं कि इनको घर पहुँचा दिया जाए, इनके गाँव तक इनको पहुँचा दिया जाए। इस वक्त इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, भीड़ इतनी ज़्यादा है कि इंतज़ाम करना मुश्किल हो जा रहा है। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर शुरू हो चुका है और उत्तर प्रदेश के महोबा और शाहजहाँपुर के ये मजदूर हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद ही यहाँ से उनको बस मिलेगी। बाद में ये प्रवासी मजदूर बसों में एंट्री करने लगे, लेकिन बद इंतजामी की शिकायत बिल्कुल नहीं रुकी। तमाम शिकायतों के बाद भी लोगों के चेहरे पर उम्मीदों से खिल रहे थे कि तमाम दिक्कतों के बाद भी वो घर पहुंचने में कामयाब तो होंगे। हमारे साथ जो भी प्रवासी मजदूर थे, अब उनकी एंट्री यहाँ से शुरू हो चुकी है। जो प्रेग्नेंट महिला थी वो भी अंदर प्रवेश कर चुकी है। एक एक करके सबको जो है अंदर प्रवेश मिल चुका है। यहीं पर सभी लोगों की छटनी होगी और छटनी के बाद ही जो है इनको अपने अपने बसों में बैठाया जाएगा। देखिए भारी तादाद में यहाँ पर जो मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ जो लोग हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। गाजियाबाद प्रशासन जो है वो लगातार यहाँ पर काम करता हुआ नजर आ रहा है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अनाउंसमेंट भी लगातार यहाँ पर हो रहा है। अनाउंसमेंट के साथ लोगों को बताया जा रहा है कि आपको कहाँ बैठना है, किस रूप में बैठना है। और कोरोना खासतौर पर जो बीमारी है वो सावधानी के साथ ही इससे लड़ना होगा। सावधानी अगर हटी तो दुर्घटना घटी। हिम्मत कहिए या मजबूरी, लेकिन जो सफर इंसान ट्रेन या बसों से करीब 30 घंटों में पूरा करता है, उसे लोग पैदल नापने निकल पड़े हैं। इस बात से बेपरवाह, पता नहीं रास्ते में क्या होगा। जेब में पैसे नहीं है, लेकिन आंखों में उम्मीद है और दिल में घर पहुंचने का सपना, जो इनके पैरों में ब्रेक नहीं लगने दे रही। मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, मेरठ।